के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूं यदि कोई आपसे पूछे कि आखिर बाइबल क्या है तो आपका उत्तर क्या होगा जब लोगों से पूछा जाता है कि आखिरकार बाइबल क्या है वे अलग अलग उत्तर देते हैं कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल जो मसीही हैं या जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका धार्मिक ग्रंथ है कुछ लोग कहते हैं बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सी अच्छी बातें दी गई हैं हमारे जीवन व्यापन के लिए या जीवन जीने के लिए अच्छा व्यक्ति बनने की बहुत सी बातें इस बुक या इस किताब में दी गई है या और यदि हम इसके अनुसार जिए तो एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर की आवाज़ है या परमेश्वर का वचन है आखिरकार बाइबल है क्या यदि बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊं तो एक मैं एक इसके लिए एक डेफिनेशन या एक परिभाषा दे सकती हूँ वह है बाइबल परमेश्वर का एक प्रेम पत्र है जो मनुष्यों तक पहुँचाया गया है शायद आप चौंक गए होंगे मेरे इस परिभाषा को सुनकर आप सोचेंगे प्रेम पत्र परमेश्वर का हाँ बाइबल परमेश्वर का वचन तो है बिल्कुल वो परमेश्वर का वचन है किंतु तो इस वचन में क्या है इस वचन में परमेश्वर ने अपने प्रेम को मनुष्य जाति के लिए प्रकट किया है आरंभ से लेकर अंत तक हम जब पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अपने प्रेम में मनुष्य को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है वो बस यही चाहते थे कि मनुष्य उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखे एक संगति बनाए रखे और वचन को देखने के लिए हम आज परमेश्वर से मांगेंगे और उसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें आइए अपनी आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए आपका वचन प्रभु जी दोदारी तलवार है जो सुनाने वाले को और सुनने वाले को दोनों को आर पार चीरता है प्रभु जी प्रभु हम आपके वचन के बारे में और जानना चाहते हैं आप अपने पवित्र आत्मा को भेजिए और हमें समझाएं। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में आमहन तो जैसे मैंने कहा बाइबल के आरंभ से लेकर अंत तक यानी कि बाइबल को वैसे तो दो भागों में बांटा गया है एक पुराना नियम और एक नया नियम पुराना नियम की जो पहली पुस्तक है वह है उत्पत्ति और उत्पत्ति में जगत या संसार की सृष्टि से किस तरह अलग-अलग बातें हैं वो बताई गई है ये सही है बाइबल में हम अलग अलग चीज़ें पाते हैं हाँ थोड़ी इतिहास की बातें हैं कि किस तरह जैसे मैंने बोला सृष्टि कैसी हुई पहले मनुष्य और स्त्री कैसे थे और उसके बाद किस तरह इस संसार में लोग पहले इज़राइल की कौम का इतिहास दिया हुआ है हाँ इसमें कुछ नबियों की बातें भी हैं नबी जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं इसमें कुछ गीत लिखे हुए हैं कुछ बुद्धि की बातें लिखी हुई हैं कुछ कहानियाँ हैं और नए नियम में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में उनके इस संसार में आने के विषय में और उसके बाद किस तरह वचन यीशु का वचन इस संसार भर में फैला और जो आखिरी पुस्तक है वो आने वाले यीशु के दोबारा वापस आने के विषय में है तो इस बाइबल में अलग अलग बातें तो लिखी हुई हैं हर पुस्तक अलग है किंतु इन सभी का एक केंद्र विषय है या मूल विषय है वो है परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति जैसे मैंने आपको बताया मनुष्य से परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रेम किया यदि हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को देखें तो वहाँ पर सृष्टि के बारे में बताया गया है और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की किस तरह रचना की और हर जगह तीसरे पद से शुरू होता है जहाँ गाय जब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो तो उज्याला हो गया हर जगह ऐसे लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे हो जाए फिर परमेश्वर ने कहा आकाश में उड़ने वाले पंछी आ जाएं, फिर परमेश्वर ने कहा कि जो नदी है उसमें मछलियां आ जाएं, हर एक के सामने ये कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा परंतु मनुष्य की सृष्टि के समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने मुंह से नहीं बोला उसने मिट्टी को लिया और उसको साना और उसको एक रूप दिया और उसमें अपने श्वास को फूका और वो मनुष्य बना और इस तरह उसने नर और नारी की रचना की उसने मनुष्य से बहुत प्रेम किया और उनको उस अदन की वाटिका में रखा और उन्हें बोला कि तुम इन जो पेड़ पौधे हैं जो जानवर हैं इन पर प्रभुता करो और उनकी देखरेख करने के लिए वहाँ रखा था और परमेश्वर ने उन्हें एक और आज्ञा दी थी कि वो चाहे किसी भी वृक्ष से खाना चाहे वो कहीं किसी से भी खा सकते थे सिवाय एक जो उनको बुद्धि और ज्ञान का जो वृक्ष था किंतु हम जानते हैं किस तरह शैतान ने उन्हें धोखा देकर परमेश्वर की आज्ञा पर शक पैदा कराकर और ये बताते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा शैतान ने हवा को वो पाप करने में मजबूर किया और जब हवा ने वो फल खाया न केवल उसने खाया अपने पति को खिलाया और वहाँ पर वह पाप में गिर गए मनुष्य पाप में गिर गया वह इसके पहले अभी तक जो परमेश्वर की तेजस्वी महिमा से घिरा हुआ था वह परमेश्वर के जैसा था वो स्वर्गदूतों के जैसा था उसे कोई कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी वो नग्न तो था किंतु उनको एक दूसरे को इस बात की शर्म नहीं थी क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से ढपे हुए थे किंतु जैसे ही पाप करते हैं उन्हें अपने उस नग्नता का अंदाजा होता है या एहसास होता है वह इसलिए क्योंकि अब वह पाप में थे उन्होंने पाप किया था और परमेश्वर जब शाम को आते हैं जैसे वचन में था कि उसके पहले तक परमेश्वर हर दिन आकर उनसे संगति करते थे उनके साथ समय बिताते थे वो परमेश्वर जो इस संसार का सृष्टि करता था वो स्वयं उतर कर आता था और मनुष्य के साथ संगति करता था किंतु तो उस दिन जब वो आया तो उसने न आदम को न हवा को पाया और जब बातचीत की जब पता लगाया तो वो आदम और हवा उसे बोलते हैं कि हम आपके सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि हम नग्न थे और जब प्रभु पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला तो वो बताते हैं कि उन्होंने वह फल जिसमें से खाने को परमेश्वर ने मना किया था उसमें से उन्होंने खाया पाप में गिरने के कारण जो महिमा उनको ढापे हुई थी वो महिमा गायब हो गई वो चली गई वो रिश्ते से वो गिर गए वो आत्मिक रीति से मृत्यु को पा लिए और जैसा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है एक धर्मी परमेश्वर है वह पाप को नहीं रहने दे सकता तो पाप का जो फल था वो तो उनको भोगना ही था और हम जानते हैं कि किस तरह उन पर श्राप आया स्त्री पर श्राप आया पुरुष पर श्राप आया इस धरती पर श्राप आया और उस सांप पर भी श्राप आया लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उस दरवाजे को बंद नहीं किया उस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया परमेश्वर उस दिन से लगे हुए थे उस रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी उस रिश्ते को वापस जोड़ने में और हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं अलग अलग तरीके से किस तरह परमेश्वर ने उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की परमेश्वर ने उनको अलग अलग नियम दिए परमेश्वर ने उनको बलि चढ़ाने का बताया कि किस तरह मेमने के लहू बहाने से वो पापों की क्षमा पा सकते थे किंतु एक जानवर का लहू उनके पापों के लिए काफ़ी नहीं था फिर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएँ दी किंतु मनुष्य ने आज्ञाओं को तोड़ा और भी पाप में चले गए फिर परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा जो उन्हें सही मार्ग बताते थे सही राह दिखाते थे किंतु फिर भी मनुष्य उस अपने गलत कामों में जाता रहा पाप में जाता रहा उसने सही कार्य नहीं किया उसने चुना नहीं परमेश्वर के राह को इन सब के बाद परमेश्वर ने आखिरकार आखिरी जो उसका योजना थी जिसे उसने पृथ्वी के आरंभ से ही उसने उस योजना को बनाया तो था किंतु हर एक पहली योजना के विफल होने के बाद आखिरकार अपने पुत्र को जो मसीहा के रूप में संसार में भेजा वह पुत्र इस संसार में आया कि वह इस संसार के पाप को अपने ऊपर ले ले और उनके पाप के बदले वह अपने आप खुद बलिदान हो सके वह वह बड़ा बलिदान बन सके कि परमेश्वर के वचन में एक साफ लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है इब्रानियों के के इक्कीस में से लिखा है और वहाँ जैसे वचन में लिखा है यीशु स्वयं इस संसार में आए और उन्होंने अपने आप को उस बलिदान के रूप में अर्पण किया यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो तीन के सोलह में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए वो परमेश्वर का प्रेम ही तो था जो यीशु को इस संसार में लाया और यीशु के इस संसार में आने की बात जैसे मैंने कहा सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई थी और बाइबल को यदि हम आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ते तो हमें बहुत सी अलग अलग परछाइयाँ या छाया दिखती है या बहुत से प्रकार येशु की छाया और येशु के प्रकार दिखते हैं जो व्यक्ति और जो बातें जो येशु को दर्शाती है और आज ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में और उसके अलावा मैं एक बात एक विषय के बारे में बताऊंगी जो येशु के बारे में दर्शाती है सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में जब मैंने जैसे मैंने बताया जब हवा और आदम ने पाप किया और उन पर श्राप आया उन्होंने परमेश्वर की महिमा को तो खो दिया किंतु परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं परमेश्वर ने उन पाप के लिए सजा तो मिलनी थी किंतु परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए अपने पास से बेदखल नहीं किया लेकिन परमेश्वर ने उधर एक जानवर को लिया यदि हम देखें उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय इक्कीसवें पद में ऐसा लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए पाप ने जो उनको वो नग्न कर दिया था जिसको वो अपने ओर से तो पत्ते लगाकर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो महिमा जो उनने खो दी थी उसके बदले उस पाप की जो प्रायश्चित के लिए एक मेमना एक जानवर मारा गया कहा जाता है कि वो एक मेमना था और वो जानवर मारा गया उसका लहू बहाया गया और उसी की खाल लेकर परमेश्वर ने इन दोनों को पहना दिया क्योंकि जब परमेश्वर इनकी ओर देखते तो वो उस पाप को नहीं देख पाते लेकिन उस मेमने के उस उसके चमड़े को देखते थे उसकी खाल को देखते थे और वो उससे ढपे हुए थे पाप की सजा मृत्यु तो है और इसी तरह यीशु ने जो इस संसार के आरंभ से उसे ठहराया गया था ये जो मेमना था वह तो एक जानवर था साधारण जानवर किंतु ये यीशु के उस परम बलिदान को दिखाता था जो बाद में इसके कई हज़ारों साल बाद जो यीशु ने बलिदान दिया उसको ये दिखा रहा था तो वचन में जो आरंभ में ही हमें यीशु का एक प्रकार या एक टाइप ऑफ क्राइस्ट एक शैडो या एक छाया दिखती है इस नेमने के उस बलिदान में जो यीशु के बलिदान को दिखाता है हर एक व्यक्ति जो यीशु के पास आते हैं जो उस उन पर विश्वास करते हैं उनके पाप ढांप लिए जाते हैं हमें परमेश्वर अपनी धार्मिकता पहनाता है और अब जब हम प्रभु येशु को ग्रहण कर चुके हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारे पाप नहीं दिखते परमेश्वर को लेकिन प्रभु यीशु का लहू दिखता है क्योंकि हम प्रभु येशु के लहू में धुले हैं हम प्रभु यीशु के लहू में ढपे हैं उसने अपनी धार्मिकता हमको पहनाई है उत्पत्ति की तीसरे अध्याय में ही उस परम परमेश्वर ने एक मसीहा को भेजूंगा उसका एक छाया दिखाई है इसके अलावा मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी जो उत्पत्ति से ही है जो प्रभु यीशु का एक प्रकार है या उसकी एक परछाई या छाया है वह है नू का जहाज यदि हम देखें उत्पत्ति उसके छठवें और सातवें अध्याय में हमें नू के विषय में मिलता है नू की कहानी हमें पता चलती है उत्पत्ति छः के पाँच में ऐसा लिखा है यहुआ ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है मनुष्य के विचार निरंतर बुरे होने लगे और परमेश्वर ने इस बात से यह बहुत दुखी हुए कि उन्होंने मनुष्य की रचना की वो इस बात से बहुत दुखी हो रहे थे और पछता रहे थे कि उन्होंने इस संसार में मनुष्य की रचना की और तब उत्पत्ति छः का आठ कहता है परंतु यहोवा के अनुग्र की दृष्टि नो पर बनी रही क्यों नू पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही क्योंकि नौवा पद कहता है नू धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नू परमेश्वर ही के साथ चलता रहा नू एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था जो परमेश्वर के साथ चल रहा था ऐसे एक संसार में जहां पूरा पाप था और परमेश्वर ने एक निर्णय लिया परमेश्वर ने मनुष्य को पूर्ण रीति से नाश करने का मनुष्य जाति को नाश करने का पाप को पूर्ण तरह खत्म करने के लिए एक निर्णय लिया और परमेश्वर ने नू को आज्ञा दी कि तू एक जहाज़ बना एक बहुत बड़ा जहाज़ जिसमें तीन अलग अलग स्तर रहेंगे खंड रहेंगे और जिसकी एक दरवाज़ा रहेगा एक खिड़की रहेगी और वो कहता है कि हर जानवर को जोड़े में तू लिया जो शुद्ध जानवर हैं उनके साथ जोड़े जो अशुद्ध जानवर हैं उनके दो जोड़े और इस तरह हर जानवर के तू जोड़े लिया और जो नू का पूरा परिवार इसमें आता है हम जानते हैं कि नू ने अपने लोगों को उस जमाने के लोगों को ज़रूर बताया किंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया और आखिरकार उस बड़े जहाज में जानवरों के अलावा सिर्फ आठ लोग प्रवेश किए नू उसकी पत्नी उसके तीन बेटे और उनकी तीन पत्नियाँ यही थे जितने उस नाव में घुस सके और ये जो नाव है जितने लोग इस नाव में घुसे वो सुरक्षित बच गए ये नाव प्रभु यीशु का एक प्रतीक है या एक प्रकार है वो एक टाइप ऑफ क्राइस्ट है जो दिखाता है कि एक दिन एक मसीहा इस तरह आएगा जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा यदि हम देखें तो मैं आपको इसमें से पांच बातें बाटना चाहूँगी कि ये नू का जो जहाज़ है वो और यीशु में क्या तालमेल या क्या ऐसी बातें हैं जो मेल खाती है सबसे पहले ये जहाज़ जो है वो परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को दिखाती है जैसे मैंने बताया कि हमने देखा कि जब पापड़ गया था तो परमेश्वर ने नू को आज्ञा दी कि तू एक जहाज़ बना और वो जहाज़ को इतना लंबा इतना चौड़ा सब बताते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि जितने भी जानवर हैं उन्हें तू जोड़े में इसे लिया और हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति सात के तेईस में हमें पता चलता है कि और क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए केवल नू और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए तो ये वो प्रावधान था ये जहाज कि वो लोग बच सकें और जितने उस जहाज के अंदर थे वे बच गए यीशु भी ऐसे ही है यीशु इस संसार में हमें बचाने आया है वो वो प्रावधान है जिसके द्वारा हम नरक से बच सकते हैं और अनंत जीवन को पा सकते हैं जितने उस पर विश्वास करेंगे जितने उसको अपना उद्धारकर्ता मानेंगे जितने उसको अपना प्रभु बनाएंगे उतने उद्धार पाएंगे तो यही है वह प्रावधान यीशु के लिए कहा गया देखो वो मेमना जो संसार के पाप के लिए मारा गया यदि हम देखें उसे वो मेमना बुलाया गया जैसे हमने उत्पत्ति के तीन में देखा था कि एक मेमने की बलि के बाद उसके ही खाल से हवा और आदम को पहनाया गया था उसी तरह यह एक मेमना यीशु एक मेमना बना जो वो प्रावधान था जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वह है कि जो व्यक्ति उस समय मृत्यु की ओर जा रहे थे वह उस नाव में घुसकर बच गए अर्थात नू और उसका परिवार जितने उस नाव में चढ़े या नाव के अंदर आ गए थे वह मृत्यु से बच गए उसी तरह इस संसार में भी हम जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल के मृत्यु से बच जाते हैं ये दिखा दर्शाता है कि जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो अपने हृदय में मानो कि यीशु ही प्रभु है तो तुम उद्धार पाओगे उद्धार पाने का एक ही मात्र रास्ता है वह है यीशु मसीह यदि हम उसके वचन पर विश्वास करेंगे यदि हम उसके वचन की गहराई वो समझ पाएंगे वचन जिसमें लिखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए यदि हम उस बात को विश्वास करते हुए अब यशु को ग्रहण करेंगे तो हम भी उन आठ लोगों की तरह जो उस बड़े जल प्रलय में से बच गए थे हम भी इस संसार के पाप में से बच जाएंगे पाप रूपी प्रलय में से बच जाएंगे तीसरी बात जो मैं बांटना चाहती हूँ वह है कि यदि हम देखते हैं कि जहाज़ बनाया गया था परमेश्वर ने नू को सब बातें बताई थी और यहाँ पर हम देखते हैं उसके छठवें अध्याय और चौदहवें पद में ऐसे लिखा है इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज़ बना उसमें कोठरियाँ बना और भीतर बाहर उस पर राल लगा और उसके बाद वो कहते हैं इस ढंग से तो उसको बनाना जहाज की लंबाई 300 हाथ चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो और सोलहवें पद में कहता है कि जहाज की एक ओर एक द्वार रखना इतने बड़े जहाज में बहुत से कमरे बहुत से कोठरियां वो बनाई थी बहुत से सेक्शंस थे उसके तीन स्तर थे किंतु दरवाज़ा एक ही था उसी तरह हमारे उद्धार के लिए दरवाज़ा एक ही मात्र है यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता यीशु के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है यीशु ने योहन्ना दस के नौ में ये भी कहा है कि मैं वो द्वार हूँ जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वो अनंत वो बचाया जाएगा तो हम ये चीज़ जानते हैं कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है और यीशु ही वो एकमात्र द्वार है जितने उस द्वार के द्वारा उस जहाज़ में अंदर आए वे बच गए चाहे वो जानवर थे या वे मनुष्य वैसे ही यदि हम यीशु पर विश्वास करेंगे और उस द्वार द्वारा प्रवेश करेंगे चाहे हम किसी भी जाति के क्यों ना हो किसी भी हम क्षेत्र के क्यों ना हो हम उद्धार पाएंगे और हम उस अनंत जो जो सत्यनाश की और ये संसार बढ़ रहा है उससे हम बच जाएंगे चौथी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी कि वो यह है कि यीशु में ही हमें पापों की क्षमा है जैसे मैंने बताया जब परमेश्वर ने नू को बोला था कि वो गोपेर के वृक्ष की लकड़ी से वो जहाज़ बनाए और उसके अंदर कहा है कि और भीतर और बाहर उस पर राल लगाना और ये रान लगाने के लिए एक शब्द जो हिब्रानी में इस्तेमाल किया गया है वो है कफ़र कफ़र जैसे उसको ढाँक लेना उसका अर्थ होता है ढाँक लेना और यदि हम अंग्रेज़ी के बाइबल में हम पढ़ें किंग जेम्स वर्जन में तो उधर सत्तर बार लगभग कफ़र जो शब्द जो इब्रानी में इस्तेमाल किया गया था उसके बदले अंग्रेज़ी में पापों के प्रायश्चित पापों को ढांप लेना वाला एक तात्पर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है तो इसका अर्थ यही है जिस तरह उस जहाज को ढांक लिया गया था उस राल से ढांका था न केवल बाहर किंतु अंदर उसी तरह हम प्रभु यीशु के लहू में ढप जाते हैं जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं जब हम ये मानते हैं कि हमारे लिए उसने अपने लहू को बहाया तो हम उसके द्वारा ढाँपे गए हैं उसकी धार्मिकता से हमें वो ढांप लेता है अपने लहू में हमें ढांक लेता है और हमारे पाप धुल जाते हैं अब परमेश्वर हमारे पापों को नहीं लेकिन उस यीशु के लहू को हमारे चारों ओर देखता है और इस तरह हम अपने पापों का प्रायश्चित कर पाते हैं और पापों की क्षमा को पा पाते हैं और आखिरकार पाँचवीं बात जो मैं बांटना चाहूँगी वह यह है कि हमेशा के लिए अनंत जो सिक्योरिटी हमें वो देता है सुरक्षा हमें देता है जितने परमेश्वर पर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए उनका सुरक्षित रहना निश्चित है जिस तरह वो जहाज में जितने घुसे मैंने सात का तेईस पद पढ़ा था कि नू और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच पाए वैसे ही जित केवल वही जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे जो उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे वे ही उद्धार पाएंगे वे ही अनंत जीवन पाएंगे क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में जिस तरह नूह के दिनों में था उसी तरह होगा लोग अपने ब्याह करने में ब्याह में देने में लगे रहेंगे किंतु परमेश्वर का पुत्र एक चोर की नाई आ रहा है क्या आप तैयार हैं उसके आगमन के लिए क्या आपने अपने पापों की क्षमा पाई है यदि नहीं तो आज मौका है अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पित करने का और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रेमी पिता परमेश्वर मैं इस समय हर एक उन व्यक्ति को लाती हूँ जो आपके वचन जिन्होंने सुना है और अपने आप को समर्पित किया है परमेश्वर होने दे कि आज आप उनके जीवन में उनके राजा बनकर आए और प्रभु जी उनके हर एक पाप धुल सकें प्रभु जी उनके हर एक पापों के प्रायश्चित आपने किया है आपने उनके पापों के बदले उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी जो कोई उस बात पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा आज उद्धार इनके जीवन में आने पाए इनके हर एक जरूरतों को आप पूरा करें यीशु के नाम में मांगती हूँ आम आशा करती हूँ कि आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो जय मसीह की Thank you